विगत वित्तीय वर्ष में जनपद में जेई और एईएस बीमारियों से मृतक और दिव्यांग मरीजों के परिजनों को शासन द्वारा जारी किए गए आर्थिक सहायता राशि का चेक शनिवार को प्रेरणाश्री सभागार न्यू सीएमओ ऑफिस बिल्डिंग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने वितरित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी 69 लाभार्थियों को 50,000 का चेक वितरण किया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर ओ पी जी राव, डॉक्टर ए के पांडे सहित अन्य चिकित्सक स्टाफ और जनपद से आए लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर ने संवाददाता से बात करते हुए जेई और एईएस से मृतक और दिव्यांग जन के परिजन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा। आप लोग इस चेक को ठीक से पढ़ के आश्वस्त हो लें कि आपके नाम में कोई गलती तो नहीं है, वो आज ही करेक्ट करा लीजिएगा, नहीं तो बैंक में लगाने पे अगर ये चेक बाउंस होगा या कैश नहीं होगा तो आपको फिर से आना पड़ेगा, हम उसको आज ही करेक्ट कर देंगे। तो इसमें अपना नाम अवश्य देख लें और ये सोच लें कि इस नाम का खाता आपके पास है, क्योंकि ये चेक खाते में जाएगा, ठीक है। दिलीप कुमार इधर देखिए, सुनील चौधरी, सुरेंद्र, सुरेंद्र नगर निगम बेतिहान, ओ गन्ना टोला, आरव चौधरी, अजरम गगहा, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। 50,000 का वो चेक मिला है यूनियन का। हाँ, वो मेरी लड़की थी, वो लड़की हमारी गुजर गई, उसी में मिला है चेक। वो दिमाग उसका, वो मस्तिष्क से वो बुखार पकड़ लिया था, जिसके वजह उसका इलाज आदमी दिखाता रहा लेकिन नहीं सही हुई, स्क्वायर कर गए। हम निवासी हैं गोरखपुर। विष्णु निषाद, बाबूराम निषाद। 50,000 का मेरे बेटा डेथ कर गया था, इसलिए मस्तिष्क बुखार था। हॉस्पिटल का नाम क्या था? मेडिकल हॉस्पिटल जी, झरना टोला। जेई और एईएस से जिनके घरों में बच्चों की मृत्यु हुई है या कोई बच्चा दिव्यांग हो गया है, उनको शासन के स्तर से एक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ऐसा शासनादेश है। अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसको 1,00,000 रुपये, और अगर कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसके घर की, तो उसके परिवार वालों को 50,000 रुपया देने की व्यवस्था है। अभी दिसंबर 2018 से अगर किसी के घर दिव्यांग बच्चा है तो उसमें एक व्यवस्था परिवर्तन कर दिया गया है। पहले हम परिवार को 1,00,000 रुपये सीधे चेक के माध्यम से दे देते थे और मृतक को 50,000, परंतु अब दिव्यांग होने पर 50,000 तो हम उसके परिवार को चेक के माध्यम से दे देते हैं, जो अभी दिया भी गया है, और 50,000 उसका मेरी अभिरक्षा में FDR करा के हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको रखें, और उस बच्चे की, दिव्यांग बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष की हो जाए तो हम उसका प्रूफ लेते हुए नियमानुसार वो चेक उसको हैंडओवर कर दें।
तो उसी व्यवस्था के तहत आज 68 लोगों को हम लोगों ने ये चेक प्रदान किए हैं, जिसमें कुछ दिव्यांगजन हैं और कुछ मृत बच्चे थे उनके परिवार वालों को दिया गया है। ये वित्तीय वर्ष 16-17, 17-18 और 18-19 के चेक हैं, और 19-20 में जो डेथ्स होंगी और ये व्यवस्था लागू रहेगी।